कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन और रूस के बीच कई घंटों के बाद भी लगातार लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सैनिक और उनके टैंक्स लगातार घूम रहे हैं। ऐसे में ये टैंक्स आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन की सड़क पर एक चलती कार पर टैंक दौड़ता हुआ चढ़ जाता है और कार को रौंद डालता है। कार की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देख रहा है कि एक पूरी तरह चकनाचूर कार के गेट को 6-7 लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि कार में एक बुजुर्ग नागरिक भी मौजूद था। वीडियो में चीखते चिल्लाते लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। यूक्रेन के कई जर्नलिस्ट और सिटीजन ने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कार में सवार बुजुर्ग की जान बच गई थी। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक टैंक कार के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके चलते कार बुरी तरीके से दब और कुचल जाती है। टैंक के चले जाने के बाद लोगों ने बुजुर्ग को निकालने की कोशिश शुरू की और खुशकिस्मती ये रही कि बुजुर्ग को जिंदा बचाया जा सका। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये बात इस कार सवार के मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। हालांकि अब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। टैंक के वीडियो के अलावा एक और वीडियो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूक्रेनी महिला हथियारबंद रूसी सैनिक से भिड़ती नजर आ रही है। वो रूसी सैनिक को खूब खरी खोटी सुनाती है। वहीं रूसी सैनिक उसे शांत रहने को कहता है। महिला उसे कहती है कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, तुम फांसीवाद हो, बंदूकों के साथ हमारी जमीन पर तुम लोग क्या कर रहे हो। वीडियो यूक्रेन के हेनिचेस्क के खर्सन रीजन का बताया जा रहा है और इस वीडियो को यूक्रेन वर्ल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ट्विटर हैंडल ने ये भी लिखा कि यूक्रेनियन महिला रूसी सैनिक से बहस करते हुए ये भी कह रही है कि वो उनकी जमीन पर क्यों आए हैं। ट्वीट के अनुसार महिला रूसी सैनिक से ये भी कह रही है कि वो अपनी पॉकेट में सूरजमुखी के बीज रखें, शायद इसीलिए ताकि जब वो इस जमीन पर अपनी जान गवाए और उन्हें दफनाया जाए तो उस वक्त वहां से सूरजमुखी का एक पौधा निकले। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये दोनों ही वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।